हे गाइस, तो क्या आप करना चाहते हो अपने पढ़ना मसलों को सिंगल फोन से एक्टिवेट, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के? लेकिन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम तो आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आप सभी का आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट करना चाहते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल इजीली तरीके से, तो वो आप कैसे कर सकते हो। गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों से पांडा माउस प्रो सिंगल फोन से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो जो पैच कमांड डालने का जैसे कहीं पर ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। तो गाइस, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन गाइस बस मैं इतना आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट करना है, सिंगल फोन से, अपने ही फोन से, तो वो आप कैसे कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में मैंने आप सभी को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल इजी तरीके से बता रखा है कि कैसे आप अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट कर सकते हो। तो भाई यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यार आप सभी को बताने के लिए। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम गवाए करते हैं वीडियो को शुरू। बट गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, लेकिन भाई अगर आपने अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। भाई आपके भाई से बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर, और गाइस यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, अभी आप सभी देख सकते हैं कि गाइस मेरा पांडा माउस प्रो यहाँ पर डीएक्टिवेट है। गाइस देख सकते हैं कि मेरा पांडा माउस प्रो गाइस अभी यहाँ पर डीएक्टिवेट है और मुझे इसे करना है एक्टिवेट, वो भी सिंगल फोन से। तो गाइस, अब यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना शुरू कर देना, क्योंकि गाइस यहाँ से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पूरी प्रोसेस किस प्रकार आप अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको जाना है अपनी फोन की सेटिंग में। ठीक है, और फोन की सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जाना है अबाउट फोन पर, और अबाउट फोन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है बिल्ड नंबर पर। देखो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में बिल्ड नंबर, इस पर आपको 7 बार टैप करना है। गाइस 7 बार टैप करने के बाद क्या होगा आपको पता होगा, और आप में से बहुत सारे बंदों को नहीं भी पता होगा, इससे क्या होता है गाइस आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, और गाइस इस पर जैसे ही आप 7 बार टैप करोगे आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। देखो ऐसे पर मैंने लिखा डेवलपर, एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरा डेवलपर ऑप्शन करके एक यहाँ पर टैब आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद देखो दोस्तों, मैंने आप सभी को क्यों बताया कि बिल्ड नंबर पर आपको जाकर 7 बार टैप करना है और डेवलपर ऑप्शन को आपको क्यों इनेबल करना है। गाइस क्यों इनेबल करना है, किस लिए इनेबल किया, इसका क्या काम है, वो मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो बस अभी मैं जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ सेम आपको भी वही करना है। ठीक है गाइस, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद देखो गाइस आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखो गाइस ये वाला यूएसबी डिबगिंग वाला ऑप्शन है, आपको इसे इनेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो गाइस यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा वायरलेस डिबगिंग। गाइस ये वायरलेस डिबगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि गाइस इस वायरलेस डिबगिंग की मदद से ही आप अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो यहाँ पर मेरा वायरलेस डिबगिंग अभी डिसेबल है, तो मैं कैसे इसे कर दूंगा इनेबल। और गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि इसे इनेबल करने के लिए गाइस यहाँ पर मुझे को देखो क्या बोल रहा है, प्लीज कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना है तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वाईफाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने वाईफाई पर क्लिक किया, एंड गाइस देखो यहाँ पर मैंने जो है ये वाले मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो गाइस अभी आप सभी देख सकते हो कि मेरा वाईफाई जो है गाइस सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, लेकिन गाइस मेरे वाईफाई में कोई भी इंटरनेट नहीं है। गाइस अगर आपके भी वाईफाई में कोई भी इंटरनेट ना हो तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल यहाँ पर बस कनेक्ट करना है, चाहे उसमें इंटरनेट हो या फिर ना हो। ठीक है गाइस, पर देखो बस अब यहाँ पर गाइस जो मेरा देखो वायरलेस डिबगिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पर इजीली इनेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आपको भी वाईफाई को कनेक्ट करना है। उसके बाद देखो दोस्तों आपको यहाँ पर गाइस बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की जरूरत लगी गाइस, जिसका नाम है LADB एप्लीकेशन। गाइस इस एप्लीकेशन को गाइस आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। गाइस इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो भी गाइस आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जैसे ही आप सर्च करोगे LADB कनेक्ट तो आपको यहाँ पर ये LADB कनेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस देखो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर 3 चीज़ों को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और गाइस इस एप्लीकेशन में क्या होगा, हम पांडा माउस प्रो एक्टिवेशन का कोड डालेंगे, और कोड डालने के बाद हमारा पांडा माउस प्रो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। वो कैसे
होगा गैस वो मैं आप सभी को आगे बिल्कुल बताऊंगा। गैस आपको टेंशन लेने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, इजी तरीके से बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपने पर्णा मास्टर को सिंगल फोन से एक्टिवेट कर सकते हो। गैस आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, देखो गैस ठीक है। तो देखो गैस आपको सबसे पहले यहाँ पे इनेबल करना है फ्लटिंग विंडो, तो आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, सर्च करना फ्लटिंग विंडो और उसे इनेबल कर देना है। उसके बाद देखो गैस हमने वो यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर ही लिया था, जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि आपको यूएसबी डिबगिंग को भी इनेबल करना है। उसके बाद देखो गैस हमने वायरलेस डिबगिंग को भी इनेबल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो गैस आपको यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और चेक वाले ऑप्शन पर गैस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है गैस। देखो यहाँ पर गैस क्या चेक करना है, अलो स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है गैस सिंपली अलो स्क्रीन। देखो गाइस आप इतना जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर कुछ नीचे आ जाएगा गाइस, थोड़ा सा वेट लगेगा। देखो गाइस यहाँ पर देखो अलो स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग, ठीक है गाइस ये वाला ऑप्शन आ गया, तो आपको सिंपली से इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जाना है कनेक्ट वाले ऑप्शन पर। गाइस जैसे ही कनेक्ट वाले ऑप्शन पर आप जाओगे आपको यहाँ पर देखो लिखा है वायरलेस पेयरिंग, और इसके नीचे गाइस देखो आपको कुछ कोड डालना है। गाइस वो कोड क्या है वो मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है गाइस। गाइस डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है वायरलेस डिबगिंग में। गाइस अब मैं आप सभी को पूरा फंडा समझाता हूँ कि हमने वायरलेस डिबगिंग को क्यों कनेक्ट किया और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को क्यों इनेबल किया, ठीक है। गाइस देखो पांडा मास प्रो अगर हमें सिंगल फोन से एक्टिवेट करना है तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है वायरलेस डिबगिंग की, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि वायरलेस डिबगिंग कब इनेबल होगा, जब आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। और डेवलपर ऑप्शन इनेबल कैसे होगा, बिल्ड नंबर पर हमें 7 बार टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में हमें यहाँ पर यूएसबी डिबगिंग और वायरलेस डिबगिंग दोनों वाले ऑप्शन को क्या करना है, इनेबल करना है। गाइस यूएसबी डिबगिंग तो आपको ऐसे ही इनेबल हो जाएगा, लेकिन जो वायरलेस डिबगिंग है उससे गाइस इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया। और उसके बाद दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि आपको एक एप्लीकेशन लगेगी। तो गाइस ये जो कोड देख रहे हैं ना गाइस, ये कोड क्या आते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो गाइस जैसे आप डेवलपर ऑप्शन में जाओगे आपको यहाँ पर वायरलेस डिबगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो गाइस नीचे लिखा है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, देखो ऐसे ये लिखा है ना पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है गाइस। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गाइस अगर आप अपने भाई की बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो गाइस क्या करना है, गाइस देखो आपको यहाँ पर वाईफाई पेयरिंग कोड दिख रहा होगा और उसके नीचे गाइस जो ब्लैक कलर में हाईलाइट में लिखा है 454211, गाइस ये हर मोबाइल का अलग अलग होता है और हर बार ये चेंज होता है, ठीक है। तो यही वाला कोड आपको नहीं डालना है, आपको अपने फ़ोन में जाना है और इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में अलग डिजिट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो मेरे एप्लीकेशन वाले में गाइस जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पर लिखा वायरलेस पेयरिंग के नीचे लिखा है 6 डिजिट पेयरिंग कोड, तो गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जो वाईफाई पेयरिंग कोड है ना गाइस 454211, गाइस ये भी कितने हैं 6 डिजिट का है। तो ये जो वाईफाई पेयरिंग कोड है आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ 454211, तो गाइस यहाँ पर देखो मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद देखो गाइस आपको क्या करना है, देखो ऐसे मैंने सक्सेसफुली डाल दिया है। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पे लिखो 5 डिजिट पोर्ट नंबर, गाइस 5 डिजिट पोर्ट नंबर क्या होता है उसके देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस ये जो लिखा ना आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, और गाइस आईपी एड्रेस एंड पोर्ट के सबसे आखिरी में लिखा है ना आखिरी की गाइस तो 5 डिजिट है, जैसे 350353 ना 35053, गाइस ये जो 5 डिजिट होती है आखिरी की इसे ही गाइस हम बोलते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये जो 5 डिजिट का पोर्ट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना, क्या है गाइस 35053, उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। उसके बाद गैस इतना सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गैस ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, हो सकता हो 10-15 सेकेंड मिनट भी ले सकता है, गैस कुछ कुछ टाइम ये ले सकता है। तो गैस आपको यहाँ पर जब तक ये वायरलेस पेयरिंग हो रहा है आपको यहाँ पर जब तक वेट करना है जब तक इसमें जो है कोड डालने का ऑप्शन ना आ जाए, तो गाइस तब तक हम कर लेते हैं वेट। तो गाइस अभी आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुली जो है मेरा सेल कमांड डालने का ऑप्शन आ गया है। तो गाइस आपको भी थोड़ा बहुत वेट करना है, गाइस हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पर वेट करने के बाद भी ना हो रहा हो तो आपको एक बार और वैसी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई वही प्रोसेस करके आपको थोड़ा सा और ट्राई कर लेना है, और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका भी गाइस सक्सेसफुली यहाँ पर कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पर मैं डालूंगा एक कोड, और गाइस यहाँ पर मैं एक कोड को 2 से 3 बार डालूंगा। अब गाइस देखो ये कोड क्या है गाइस मैं आप सभी को बताता हूँ। गाइस ये कोड होता है पांडा मास प्रो को एक्टिवेट करने का कोड, जिसे हम कहते हैं पैच कमांड या फिर सेल कमांड, ठीक है। तो गाइस इस पैच कमांड को कैसे आपको कॉपी करना है और कैसे आपको इसमें एंटर करना है, ठीक है। गाइस देखो बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि ये पैच कमांड भाई कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो भाई मैं इस पैच कमांड का जो लिंक होता है ये जो पूरा पैच कमांड होता है इसे गाइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप कॉपी कर लिया करो।
और गाइस देखो, अगर आपको नहीं मिले कि भाई हमें डिस्क्रिप्शन से कॉपी करते नहीं आ रहा है, तो गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। गाइस अपने इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज कर देना कि भाई हमें पेज कमांड का कोड चाहिए, तो गाइस मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी दे दूंगा। और गाइस अगर आपको वो भी नहीं करना है, आप चाहते हो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ही बिल्कुल सही वाला यहाँ पर जो है कॉपी करो, तो गाइस मैंने उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आप सभी को बताया है कि किस प्रकार आप जो है पांडा माउस प्रो का जो पेज कमांड होता है उसे आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर देना, मैसेज कर देना, मैं आप सभी को कोड दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर गाइस सिंपली करना है रन। मैंने क्या बोला गाइस, मैं एक ही कोड के 2 से 3 से बार यहाँ पर रन करवाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने एक बार और रन करवा दिया। और गाइस इसके रन करवाने से देखो क्या होगा। गाइस देखो, अभी मेरा पांडा माउस प्रो गाइस यहाँ पर डीएक्टिवेट है, ठीक है। बस आपको गाइस कुछ वेट करना है, और कुछ वेट करने के बाद गाइस आपका पांडा माउस प्रो यहाँ पर 100% एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस आप सभी फाइनली देख सकते हो कि मेरा पांडा माउस प्रो यहाँ पर 100% एक्टिवेट हो चुका है, वो भी बिना किसी झंझट के। गाइस आप सभी देख सकते हो, मैंने आप सभी को क्या बोला कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका भाई आपको बताएगा कि किस प्रकार आप अपने पांडा माउस प्रो को सिंगल फोन से एक्टिवेट कर सकते हो। तो गाइस आप सभी देख सकते हैं, यहां पर मेरा फाइनली जो है पांडा माउस प्रो सिंगल फोन से एक्टिवेट हो चुका है। तो भाई यार, यहाँ पर हमारा पांडा माउस प्रो सक्सेसफुली 100% एक्टिवेट हो चुका है, वो भी सिंगल फोन से। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी की वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस यार प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भाई जरूर प्रेस कर देना। गाइस देखो यार भाई, आप में तो बहुत सारे बंदे हमारा वीडियो भी देख लेते यार, लेकिन भाई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार। भाई वीडियो पे आए हो, अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है गाइस। तो बाबा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।